बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए कल पीएम मोदी कर सकते हैं बजट का ऐलान। पहले चरण में चाहिए 300 करोड़। बांके बिहारी कॉरिडोर का रास्ता साफ होने के बाद अब प्रशासन बजट की ओर टकटकी लगाए हुए है। बजट की मंजूरी के बाद ही प्रशासन जमीन अधिग्रहण से लेकर आगे की अन्य कार्यवाही की ओर कदम बढ़ा सकेगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार 300 करोड़ रुपए का बजट जमीन अधिग्रहण के लिए चाहिए। इसके बाद 505 करोड़ रुपए कॉरिडोर निर्माण के लिए चाहिए। इसके बाद वर्तमान बांके बिहारी मंदिर के जीर्णोद्धार पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होने का आकलन लगाया जा रहा है। प्रशासन को अंदेशा है कि पूरे प्रोजेक्ट में करीब 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। संभव है कि पीएम मोदी राज्य सरकार की मदद करते हुए केंद्र सरकार से इस प्रोजेक्ट के लिए विशेष बजट का ऐलान कर दें। दरअसल 23 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी मथुरा में ब्रज रज उत्सव में मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर शिरकत करने आ रहे हैं। इससे पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट में बांके बिहारी कॉरिडोर प्रकरण में प्रतिदिन सुनवाई हुई और 20 नवंबर को फैसला सुनाए जाने की तिथि तय हुई। तिथि नियत होने के बाद संभावना जताई गई थी कि फैसला कॉरिडोर के पक्ष में आएगा तो पीएम खुद इसके बजट का ऐलान ब्रज रज के मंच से कर सकते हैं। सांसद हेमा मालिनी बोली, कॉरिडोर बनने से भक्तों को सहज होंगे दर्शन, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। सांसद हेमा मालिनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता साफ करने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि कॉरिडोर के बनने से रास्ते चौड़े और साफ हो जाएंगे, जिससे लाखों श्रद्धालुओं को ठाकुर बांके बिहारी के अच्छी तरह से बिना किसी अड़चन के दर्शन होंगे। कॉरिडोर बनने से ठाकुर जी के सहज ही दर्शन हो सकेंगे। इतना ही नहीं, बांके बिहारी कॉरिडोर सुंदर बनेगा, जो कि भक्तों के लिए बहुत ही दर्शनीय होगा। प्रशासन 300 निर्माणों के सर्वे और कीमत के आकलन में जुटा। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ करने के बाद प्रशासन अब इसके जमीन अधिग्रहण की दिशा में विचार करने में जुट गया है। 300 के करीब निर्माणों को हटाने के लिए चिन्हित पहले ही किया जा चुका है, मगर अब फिर प्रशासन एक बार पुख्ता सर्वे कराने और जमीन की एवज में दिए जाने वाले मुआवजे की कीमत तय करने में जुट गया है।